अब हम टाइप करने वाले हैं फिफ्थ, जिसमें अगर हम देखेंगे इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या लिखा है, कोई एक नंबर जो है जब किसी एक नंबर का 80% अगर उसको ऐड कर दे दूसरे नंबर में डायरेक्ट स्टेटमेंट यू है, तो जो सेकंड नंबर है जो है ना वो जो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, इस सेकंड नंबर का 160 होगा, स्टेटमेंट में यू कहा गया है। देन उसके बाद आपको ये बोलेगा व्हाट इज द रेशियो द बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, आपको जो ए और बी जो दो नंबर आपने लेने हैं, आप एक्स वाई लेट कर लेते हैं इसमें हम, उसमें जब आपने ये इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, उससे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी मेथड से इसको करने हैं। अब इसमें करने के बाद आप देखोगे तो ये कह रहे हैं अपडेट कर लेते हैं एक्स और वाई नंबर, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ जो फर्स्ट नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर अगर वो एक्स है तो देन जो उसके बाद अगर आपने सेकंड नंबर देखना है इसका सेकंड नंबर उसको अपडेट कर लेते हैं वाई, x और y हम लेट किया गया है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो x का जो 80% है अगर उसको ऐड कर दें, देखिए इज एडेड टू द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर है वो y है, अगर उसमें ऐड कर दें तो ये जो बन जाता है वो उस y का 160 बन जाता है। ये कह रहा है जो आपके पास y है सेकंड नंबर है उसका क्या बन जाता है 160, ऐसे कह रहा है जितना जो आएगा दोनों का जो एडिशन आएगा वो इतना आएगा, स्टेटमेंट में आपको यूं कहा गया है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है x और y के बीच में रेशियो निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। अब डायरेक्टली अगर इसको अगर हम देखें तो आपके पास क्या बन गया, ये बना 80x फोन में कितना 100, y को उस साइड ले जाएं क्योंकि y वाले एक साइड कर लेते हैं और x को हम एक साइड कर लेते हैं, जब उधर लेके जाएंगे तो आपके पास बनेगा 160 अपॉन में 100, वो ये वाई था, ये वाई जाके उधर क्या हुआ माइनस क्या हुआ। मैं सोल्व आउट करना चाहूँ तो इसको कट भी कर सकते थे, बट फिलहाल मैं एक बार यू रख रहा हूँ, एंड में जाके सोल्व आउट करना डिवाइड में 100 इजी हो जाएगा डिवाइड करना, इसलिए मैंने इसको कट आउट नहीं किया। तो इसकी डिवाइड बनना अगर हम ले लें तो अगर आप ये 100 लेके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, जब सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये बनेगा 160y और माइनस में ये बनेगा 100y। अगर किसी को अगर एलसीएम में सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर 100 पड़ा है 1 पड़ा है डिवाइड में इन दोनों का जो एलसीएम है वो 1 आ रहा है। जब हम सोल्व करते हैं एलसीएम वाले कंसेप्ट को तो वो कैसे होता है, इस एलसीएम को आपने इस डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो नंबर पड़ा है उससे आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जितना जो आएगा उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर में जो नंबर पड़ा है वो आपने यहाँ लिखना होता है। तो सेम कंसेप्ट इसमें साइन माइनस का पड़ा है, सेम कैसे इसमें जो आपके डिवाइड में 100 पड़ा है उसको जब अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो 100y बन जाएगा। एक्चुअल में कंसेप्ट तो इस तरीके से होता है। और जब आपके पास इधर क्या पड़ा था, इधर पड़ा था 80 पॉन में, ये पड़ा था 100, 80x था पॉन में 100 था, और डिवाइड में 100, डिवाइड में 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ 80x है क्योंकि बहुत साइड अगर कंप्लीटली पहले हम कट आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास यहाँ 100 पड़ा था प्लस में यहाँ वाई पड़ा था उसके डिवाइड में 1 था। अब आप देखिए इस कंप्लीटली डिवाइड में 100 है, इधर कंप्लीटली डिवाइड में 100 है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, यहाँ ये कट नहीं हो सकता था। अब देखिए जब देखो 160y माइनस 100y तब प्लस बन गया 60y, इधर कितना 80x, इस तरीके से इसको हम इधर सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 80x इक्वल टू 60y, यहाँ से वैसे कट करो 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपने क्या करना, x और y के बीच में रेशियो देखना है, तो y को हम इसके डिवाइड में ले आए, इधर पड़ा था 6 उधर पड़ा है आपके पास 8, अगर इसका हम रेशियो देखेंगे तो दोनों क्या हो रहे हैं 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 2 जा और ये 4 2 जा, तो रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा 3/4, तो x है वो 3 और y कितना 4, अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे x और y को तो 3/4, तो ये आपका कितना आएगा आंसर आएगा, ये बोला गया है आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में आपने रेशियो निकाला है।